गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडेज इंग्लिश वर्क इज प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह जब हम कोई और वर्ड यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोनाउन। नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जब किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी जानवर का नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसकी जगह जब हम कुछ और यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। आई मतलब आप खुद, यू मतलब कोई और जो आपके सामने है, यू मतलब तुम, ही लड़के के लिए यूज़ करते हैं, शी लड़की के लिए यूज़ होता है, इट जब कोई चीज़ आपके पास है, कोई थिंग है, एनिमल है या फिर बर्ड है, उसके बारे में इट यूज़ होगा। जब आप और आपके साथ कोई और है तब वी यूज़ होगा। जब एक से ज़्यादा लोग हैं तब दे यूज़ होगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है, प्रोनाउन वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड, एग्जांपल ही, शी, इट, दे। यहाँ पे एक और वर्ड आएगा वी। ओके, ही कब यूज़ होता है? जब मैन और बॉय की बात होती है। शी कब यूज़ होता है? जब गर्ल और वुमेन की बात होती है। इट कब यूज़ होता है? जब थिंग, बर्ड या एनिमल की बात होती है। दे जब यूज़ होता है? मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे यूज़ होता है। वी, आई एंड समवन एल्स, जब आप और आपके साथ कोई और हो तब वी यूज़ होता है। ये आज की एक्सरसाइज है जो आपको कॉपी में करनी है। ओके, फर्स्ट इज कैलाश इज माई फ्रेंड, कैलाश एंड आई ऑलवेज सिट ऑन द सेम बेंच। कैलाश मेरा दोस्त है। कैलाश एंड आई मतलब मैं और कैलाश एक साथ एक बेंच में बैठते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? वी। ओके, वी ऑलवेज सिट ऑन द सेम बेंच मतलब हमेशा एक बेंच में बैठते हैं। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पापा डॉक्टर हैं। माई फादर इज़ वेरी पॉपुलर इन द सिटी। ओके, यहाँ पे माई फादर यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, तो माई फादर इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ वेरी पॉपुलर इन द सिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही। मैन के लिए ही यूज़ हुआ, ही इज़ वेरी पॉपुलर इन द सिटी। ओके, नेक्स्ट इज कविता एंड कृष्णा आर गुड फ्रेंड। कविता एंड कृष्णा आर गुड फ्रेंड। कविता एंड कृष्णा आर गोइंग टू स्कूल। दो लोग हैं यहाँ पे, कविता एंड कृष्णा, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा दे, दे। ओके, कविता एंड कृष्णा आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट इज श्याम लव टू प्ले हॉकी। श्याम है, श्याम लव टू प्ले हॉकी, श्याम इज़ अ गुड प्लेयर। तो इस श्याम की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? ही। इस श्याम की जगह हम यूज़ करेंगे ही। श्याम लव्स टू प्ले हॉकी, ही इज़ अ गुड प्लेयर। ओके, नाउ लास्ट वन इज शैलजा इज़ माय कज़न। शैलजा इज़ माय कज़न, शैलजा एंड आई, जब आप हो और आपके साथ कोई और हो तो आप क्या यूज़ करोगे? क्या बताया था? वी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? वी, शैलजा इज़ माई कज़न, वी गो टू लाइब्रेरी डेली। ओके, ये आपको आज कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।